लिविंग इंडिया न्यूज़ की टीम जो है वो जिला गुरदासपुर के हलका दीनानगर के पहुंची हुई है। तो साढ़े नाल कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी मौजूद ने। अरुणा चौधरी अपनी टीम के नाल हलके दे विच निकले हुए ने लोगों दी मुश्किलां सुनने वास्ते। लोगों दी मुश्किलां सुन के उत्थे मौके ते ही उन्हां दा हल किया जा रहा। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि मैडम अरुणा चौधरी जो ने वो हलके दे विच लोगों दी मुश्किलां सुनदे दिखाई दे रहे हैं। मौके ते ही उन्हां दा हल किया जा रहा है। कुछ तो इन्हां प्रोग्रामों नूं लैके अरुणा चौधरी नाल गलबात करांगे ते नाल ही जिहड़े किसानां दे मुद्दे इस वेले छाए हुए ने पंजाब दे विच उस नूं लैके भी गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी जी, उन्हां नाल गल करदे आं। मैडम, किस तरीके दे इह फंक्शन तुहाडे रखे गए ते किस तरीके दीआं मुश्किलां लोकी तुहाडे कोल लैके आउंदे ने ते किवें मौके ते हल करदे हो जां फिर कुछ मुश्किलां ऐसी हुंदीआं जिहड़ा बाद च हल कीता जांदा? देखो, तुहानूं सारिआं नूं पता है कि लॉकडाउन दे दौरान ज़्यादा लोगों के नाल राबता नहीं रहा। सो असी सोचा कि असी आप ही घर के लोग आते हैं काम लैके, लेकिन पिंड दे विच बैठ के जिहड़ी पिंड की गल हुंदी है ना, वो पिंड की तरक्की वास्ते लोगों के वास्ते बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग जड़े ने साढ़े तक पहुँच नहीं कर पाते, जिवें महिलावां ने या बजुर्ग लोग ने, वो नहीं आ सकते। तो असी ये प्रोग्राम बनाया कि असी पिंडां च जाके उन्हां तक पहुँच करिए और सारे महकमें के मुखी डिपार्टमेंट के जिहड़े हैड्स ने उन्हां नूं नाल लैके जाइए। सो मैं देखिया कि खास तौर पर पिंडां दे विच राशन कार्ड, पेंशनस या दूसरे डिवेलपमेंट जी है गल, वो सब ज़्यादा डिमांड्स जड़िया ने आदि ने। शिकायत को इन्नी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जड़िया मौके पर हल हो सकदियां ने उसे कर दीदियां ने, या नोट करके दो तीन दिन के बाद उन्होंने दस दिता जाता है कि तुहाडा काम हो गया। जे कोई चंडीगढ़ लैवल की गल है तो वो असं नोट करके अपने नाल लै जाने, चंडीगढ़ लैवल की जी गल है वो तो उत्थे ही होएगी। सो इस करके असी, मैं लगता है कि रिस्पोंस बहुत अच्छा है। लोग बिल्कुल सामने आके वन टू वन गल करते हैं, तो सानू भी काफ़ी चीज़ा जड़िया जिदा पता पहले ध्यान च नहीं होंदिया साडे ध्यान च भी आ जांदियां ने, तो असी भी उहदा निपटारा करन की कोशिश करते हैं। बाकी विकास जिहड़ा आ हर पिंड दे विच, मेरे को जिवें 247 पिंड ने, हर पिंड दे विच डिवेलपमेंट के काम हो रहे हैं। सरकार साड़ी हर तरह की उहदी मंशा है कि हर तरह का जिहड़ा विकास पिंडां दे विच होना चाहिए, हर तरह की सुविधा जिहड़ी आ पिंड विच होनी चाहिए, चाहे वह गलियां नालियां हो, सोलर लाइटां लग रही ने, थापर मॉडल के छप्पड़ां दे सफाई हो रही है। और अज इस पिंड दे विच एक कम्यूनिटी सेंटर बनया 45 लाख रुपए के नाल, जिहड़ा अज असी जनता तो हवाले किया है। सो इत्थे इन्हां पिंडां च दो तीन पिंडां दे विच किते भी कोई छोटे मोटे फंक्शन करने, किसी गरीब ने अपनी बेटी की शादी करनी है, तो कोई भी जगह नहीं सी। सो अज खुशी है कि बड़ी अच्छी बिल्डिंग बन के तैयार हुई है, इहदे नाल लोगों नूं काफ़ी सहूलत मिल जाएगी। मैडम जी, गल की जाए तुहाडे हल्के च तां ज़्यादातर सरहदी हल्का पैंदा है, ज़्यादा पिंड जिहड़े ने सरहद के नज़दीक पैंदे ने, तां किसानी नाल जुड़े हुए ने, तां किसानी का जिहड़ा एक मुद्दा इस वेले छाया होया कि कोई भी उहदा हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा। पिछले जी केंद्र सरकार के मंत्रियों ने किसान जथेबंदियों नाल भी मीटिंग की, वह मीटिंग दे विच भी कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आया। की समझदे हो, केंद्र सरकार का रुख सख्त है कि किसान जथेबंदियों का रुख सख्त? मैं लगता किसान अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने डिमांड जी बिल्कुल जायज़ है। देखो अज जिवें पंजाब दे विच बहुत एक मुद्दा सरगर्म है किसानी का मुद्दा, क्योंकि पंजाब का किसान खुशहाल क्यों है? सिर्फ दो चीज़ा ने कि एक एश्योर्ड परचेज है और MSP, ठीक है जी, कि गवर्नमेंट एजेंसियां खरीद कर दिया ने और किसान पंजाब का खरीद। हूँ बिहार के लोग इतने आके क्यों, अगर ये कानून बिल्कुल सही है तो बिहार के लोग इतने आके फसल क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इतने उन्होंने प्राइस जड़ी है, कीमत जड़ी है, वो अच्छी मिल जाती है। सो इस करके दो गल्ला सिर्फ किसान मंगता है, किसान दी सिर्फ दो ही डिमांडा ने कि एक एश्योर्ड परचेज और एक MSP जारी रहे। चाहे जवानी तौर पर कहते हैं कि MSP जारी रहेगी, अगर ये नीयत साफ है तो फिर ये कानून के विच ये दो गल्लां शामिल क्यों नहीं कीतियां जांदियां? की समझदे हो फिर ये जरा मसला हल नहीं हो पा रहा, पंजाब नूं निशाना बनाया जा रहा? बिल्कुल, पंजाब नूं निशाना बना रहे, क्योंकि पंजाब सारे भारत का पेट भरता। वो भी टाइम से जो मैक्सीकन अनाज जरा कनक जी मैक्सीको तो मंगवा के इतने वंडी जाती सी, लाल रंग की कनक होंगी सी, लेकिन ये सिर्फ पंजाब हर वेले हरित क्रांति जो आई है, पंजाब ने अगे हो के बीज तैयार किया, फसलां तैयार कीतियां, और आज ये पोजिशन है कि हिंदुस्तान कितों भी बाहरों कनक नहीं मंगवानी पैंदी। उहदे विच सब तो वड्डा रोल जिहड़ा है पंजाब दा, पंजाब दे किसान ने सारे भारत का पेट भरदा। सो अज उन्हां किसानों नाल ही धोखाधड़ी हो रही है,
की कहना चाहते हो, अपने तौर पर की कहना चाहते हो, तुम भी सरकार के पंजाब सरकार के नुमाइंदे हो, केंद्र सरकार को की कहना चाहते हो, किस तरीके का हल कढ़न जिहड़ा सारे मसले जिहड़े ने किसानों के हल। सिर्फ जिवें मैं पहले कह चुकी हाँ, सिर्फ ये जिहड़े उन्होंने तीन काले कानून पास किए उहदे च सिर्फ दो चीज़ा ऐड कर लैन कि MSP जारी रहेगी और अश्योर्ड जिहड़ी परचेज है वह रहेगी। पंजाब सरकार कितों तक खड़ी है किसानों नाल? किसानों के नाल डट के खड़ी है और जितों तक भी सानू इस संघर्ष अगे लैके जाना पेगा सरकार पूरी तरह उन्होंने नाल किसानों के नाल है, चट्टान दे वांग उन्होंने नाल और संघर्ष जिहड़ा है मैनू लगता कि अगे जाके जिन्ना जिन्हें उच्चे पद्धर तक भी जाना पिया असी नाल जी। बिल्कुल, ये कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी जो कि अपने हल्के दीनानगर के किसानों के नाल अते लोगों के नाल मिल के उन्होंने मुश्किलों का हल कढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो नाल ही उन्होंने किसानी मुद्दे को लैके ये भी कहा है कि केंद्र सरकार अपना सख्त रवैया बदले तो किसानों की गल सुनदिया होया किसानों का हल कढ़े क्योंकि किसान किसान हैं, पंजाब है तो नाल ही देश है। कैमरा परसन निशांत गोयल के नाल भोपाल सिंह, लिविंग इंडिया न्यूज़, गुरदासपुर, दीनानगर।